ओम शांति। आज की जो मुरली है वो 28/12/1978 की मुरली है। मुरली का जो टाइटल है, परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता। जैसे जैसे अभी मुरली क्लब में भी हम मुरलियों का अध्ययन करते जा रहे हैं, उसका स्वरूप बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे मुरली का जो कंटेंट है वो हम थोड़ा, क्योंकि एक एक चीज जो है धारण करने योग्य है और उसका स्वरूप। आज की भी जो मुरली है वो जो एक एक पॉइंट है वो अपने अंदर उसको चेक करना, उसको धारण करना, अपने शक्ति शक्तियों को भी देख रहे हो, पांडवों को भी देख रहे हैं, बाप दादा विशेष क्या देख रहे हैं, और जैसे लौकिक दुनिया में सेना होती है वैसे बाबा भी देख रहे हैं, अपनी सेना को देख रहे हैं कि जो बाबा के बच्चे हैं, महावीर महावीरनिया है, उनका कैसा पाठ चला है, बाबा की जो रूहानी सेना है वो कहाँ तक पहुँचती है, कितने एरिया जो बाबा के बच्चों ने विजय कर लिया है, अस्त्र ओम शांति। गोपाल गोपाल हो रहा है आपका? जी, आवाज ब्रेक हो रहा है। आप गैलरी के पास या विंडो के पास रहिए ताकि नेटवर्क रहे। जी भाई जी, ओके। तो जो आज की मुरली में जैसे बात कर रहे थे, बाबा की जो मुरली वो देख, चीज को देख, बाबा ने कहा कि बाबा के जो प्रत्यक्षता होनी है और अभी तक जो कार्य हुआ, बाबा ने कहा कि भाई आवाज आ रही है क्या? नहीं भाई जी, ब्रेक हो रही है, बीच बीच में ब्रेक हो रही है आवाज। ठीक है भाई जी, हम किसी और से पढ़ लेंगे। कोई और पढ़ना चाहता है क्या? जी, शिव शक्ति बहन आप पढ़िए, क्योंकि भोपाल भाई जी शायद मधुबन में हैं। बाबा की आज की मुरली बहुत ही विशेष है। आवाज आ रही है ना भाई? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हमारे पिता सत्यता के सागर आज हमें सत्यता का पाठ पढ़ाने आए।
सत्यता के सागर के पास बैठ हम आत्माएं बाबा की सीख को बहुत ध्यान से सुनेंगे। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा सर्व बच्चों को शक्ति सेना व पांडव सेना के रूप में देख रहे हैं। बाबा शक्ति सेना व पांडव सेना के रूप में हम बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते, सेनापति अपनी सेना को देख हर्षित भी हो रहे हैं और साथ साथ अपनी सेना के महारथी व घोड़े सवार दोनों के कर्तव्य को देख रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को देख हर्षित भी होते हैं, परंतु साथ साथ अपने बच्चों के कर्तव्य को भी देखते हैं कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। जिस काम के लिए बच्चों को सिलेक्ट किया गया है वो तो कर रहे हैं अथवा नहीं। तो बाबा क्या देख रहे हैं कि महारथी क्या कर रहे हैं, घोड़े सवार क्या कर रहे हैं। दोनों ही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बाबा को भी संतुष्टता होती है देखकर कि मेरे बच्चे जो उनको पार्ट दिया गया है वो अच्छे से बजा रहे हैं। बाबा कहते हैं, अब तक ड्रामा अनुसार जो भी हरेक ने पार्ट बजाया वह नंबर वार अच्छा कहेंगे। लेकिन बाबा कहते, अब क्या करना है? तो बाबा कहते, महारथियों को अब अपनी कौन सी महावीरता दिखानी है वो आज बाबा सिखा रहे हैं कि महारथी अपनी कौन सी महावीरता दिखाएं। बाप दादा विशेष महावीरनियों और महावीरों के सेवा के पाठ को देख रहे थे। बाबा कहते, अब तक सेवा के क्षेत्र में कहाँ तक पहुंचे हैं? आज बाबा सेवा के पाठ को देख रहे हैं और सेवा स्पिरिचुअल सेवा किस आधार पर होती है? सत्यता के आधार पर, वही सिखाएंगे आज बाबा हमें। बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे स्थूल सेना का सेनापति नक्शे के आधार पर सदा देखते रहते हैं कि सेना कहाँ तक पहुंची है। कितनी चार पांच बातें देखते हैं सेनापति, वो बाबा बता रहे हैं। पहली बात कि सेना कहाँ तक पहुंची है, फिर कितनी एरिया के विजयी बने हैं, फिर तीसरी बात देखते हैं कि अस्त्र शस्त्र बारूद अर्थात सामग्री कहाँ तक स्टॉक में जमा है, फिर चौथी बात देखते हैं स्थूल में कि आगे क्या लक्ष्य है। बाबा बता रहे कि आगे फिर देखते हैं कि लक्ष्य की मंजिल से कहाँ तक दूर है, किस स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये छह बातें देखते हैं स्कूल में भी। जब सेनापति सेना के साथ युद्ध के मैदान में होते हैं तो हमारे सेनापति हमारे बाप दादा भी हम बाबा की अपनी सेना के साथ हमें इस युद्ध के मैदान पर लाए हैं जिन्हें जहाँ इस दुनिया को परिवर्तन करना है। तो बाबा हम बच्चों को स्थूल के एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं कि इसी तरह मैं भी आपकी चेकिंग कर रहा हूँ। वैसे ही आज बाप दादा भी आदि से अब तक की सेवा के नक्शे को देख रहे थे।
बाबा क्या देख रहे थे, अब तक जो भी सेवा का लक्ष्य रहा, तो रिजल्ट क्या देखा? महावीर व महावीरनिया सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्षेत्र में बच्चे बढ़ते जा रहे हैं हर पल, शस्त्र भी सब साथ ही हैं, अपने सब शस्त्रों के साथ। कौन से शस्त्र है हमारे? बाबा के द्वारा जागृत किए आत्मा के सर्व गुण और सर्व शक्तियां। तो हम सब, बाबा कहते आप बच्चे मेरे साथ रखते हो, शस्त्र भी सब साथ में है, एरिया भी बढ़ाते जा रहे हैं, धीरे धीरे हद से बेहद में बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बाबा क्या कहते कि कमी क्या रह गई है? वो बताते हैं कि लेकिन अभी तक आत्मिक बम लगाया है, अभी परमात्म बम लगाना है। बाबा कहते अभी क्या करना है, आत्मिक बम के साथ साथ परमात्म बम भी लगाना है। कैसे? बाबा कहते आत्मिक सुख व आत्मिक शांति की अनुभूति, रूहानियत की अनुभूति के भिन्न भिन्न शस्त्र, नंबर वार समय प्रमाण कार्य में लगाया है। आत्मिक बम की बाबा ने जो एक्सप्लेनेशन दी, कैसे आत्मिक सुख, आत्मिक शांति की अनुभूति और रूहानियत की अनुभूति, ये भिन्न भिन्न शस्त्र बाबा कहते आप बच्चों ने नंबर वार समय प्रमाण कार्य में लगाया है। लेकिन लास्ट बम अर्थात परमात्म बम है बाप की प्रत्यक्षता का। जो भी बाबा ने कार्य सौंपा है बच्चों को विश्व परिवर्तन का, उसमें बाबा की प्रत्यक्षता होनी बहुत जरूरी है, तभी ये कार्य संपन्न होगा। तो उस प्रत्यक्षता को बाबा ने बोला परमात्म बम। कैसे? बाबा कहते जो देखे, जो संपर्क में आ करके सुने, उन्हीं द्वारा यह आवाज निकले कि बाप आ गए हैं। जो बाबा कहते हैं ना कि आप बच्चों के चेहरे और चलन से बोल आप रहे हो, अपने बाबा की याद में बोल रहे हो, लेकिन सुनने वाले को ये अनुभव हो जाए कि बाप आ गए हैं, कि मेरे पिता आ गए हैं। हर आत्मा को हम बच्चों की आवाज से ये अनुभव हो जाए, ऐसी अपनी स्थिति बनानी है। बच्चों सब सुनने वालों के मुख से यही आवाज निकले कि बाप आ गए हैं, डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है। बाबा कहते यह अंतिम बॉम्ब है जिससे चारों ओर से आवाज निकलेगा, अभी यह कार्य रहा हुआ है। बाबा कहते अभी ये कार्य आपने अभी करना है कि अपनी स्थिति ऐसी ऊंची बनानी है, बाप की याद की निरंतरता हो जानी चाहिए, ताकि सुनने वालों को, आपके साथ संबंध संपर्क में आने वालों को ये अनुभव हो कि डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है। तो बाबा कहते हैं ये कैसे होगा और कब होगा? तो बाबा ही बताते हैं कि परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है, सत्यता ही प्रत्यक्षता है। उसमें बाबा ने फिर आगे बताया, एक नंबर एक पे क्या सत्यता में क्या समझना है कि स्वयं के स्थिति की सत्यता, पहले स्वयं के स्थिति की सत्यता, और दूसरी है सेवा की सत्यता। स्वयं की स्थिति की सत्यता था मैं आत्मा अपने परम पिता की संतान
और हर एक आत्मा जो मेरे आसपास है उसको भी सिर्फ आत्मिक स्वरूप में ही देखना और उस पिता की संतान के रूप में देखना, ये स्वयं की स्थिति को बनाता है। यही सत्यता हमें अपने जीवन में लानी है। मैं आत्मा, सामने वाला भी आत्मा, और बीच में वो परमपिता परमात्मा, तभी हम दूसरी सत्यता की तरफ बढ़ सकेंगे जो सेवा की सत्यता है। बाबा कहते हैं सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। ये फाइनल बाबा चैप्टर सिखा रहे हैं कि कैसे प्रत्यक्षता करनी है सत्यता के द्वारा, और उसका आधार है स्वच्छता और निर्भयता। बाबा कहते किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। बाबा द्वारा दिया हुआ विश्व परिवर्तन का कार्य वो हम बच्चों का कर्तव्य है, उसकी सिद्धि हमने क्या प्राप्त करनी है, बाप की प्रत्यक्षता। लेकिन वो कब होगी, जब अंश मात्र भी अस्वच्छता नहीं होनी चाहिए, जरा भी सच्चा अस्वच्छता में। फिर बाबा ने दो बातें बताई हैं, सच्चाई और सफाई, ना सच्चाई में कमी हो ना सफाई में कमी हो। फिर बाबा अच्छी तरह डिटेल में समझाते हैं सच्चाई और सफाई। सच्चाई अर्थात जो मैं हूं, जैसा हूं, सदा उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित होना। सिर्फ ये कह देना कि मैं आत्मा हूं इतना काफी नहीं है, अपने सच्चे स्वरूप को समझकर, बाबा ने जो समझाया है वैसा समझकर उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित रहना है। अर्थात आत्मा के ओरिजिनल सत्व प्रधान स्वरूप में स्थित रहना है, जो परम धाम की आत्मा की स्थिति है, सत्व प्रधान स्थिति, उस स्थिति में बाबा कहते हैं हम बच्चों को स्थित रहना है। रजो और तमो स्टेज सच्चाई की ओरिजिनल स्टेज नहीं। जो आत्मा की अब स्टेज बनी पड़ी है, चाहे वो रजो है चाहे तमो है, उसको याद नहीं करना, अपनी ओरिजिनल सत्व प्रधान बाप समान स्टेज, उसी स्थिति में सदा स्थित रहना है। बाबा कहते हैं ये जो रजो और तमो की स्टेज है, यह संग दोष की स्टेज है। किसका संग, किसके संग दोष से हमारी ये स्टेज बन गई, बाबा बताते माया अथवा रावण का। बाबा कहते आत्मा की सत्यता सत्व प्रधानता है, तो पहली यह सच्चाई है, पहली यह सच्चाई है। सच्चाई के भी आगे दो पॉइंट है, एक तो अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना और दूसरी बात है बोल और कर्म में भी सच्चाई। अर्थात सत्यता की स्टेज सत्व प्रधानता है, वह अभी रजो और तमो मिक्स है। ये चेकिंग के लिए बाबा कह रहे हैं कि अपनी चेकिंग करो कि कहीं कोई मिक्सिंग तो नहीं है। बाबा कहते हैं सत्यता नेचुरल संस्कार रूप में है, वह पुरुषार्थ से सत्यता की स्टेज को लाना पड़ता है। बोल और कर्म में सच्चाई, इसमें भी अपनी चेकिंग बाबा ने दो तरह से बताई कि अपनी स्टेज में कहीं रजोपन और तमोपन मिक्स तो नहीं है, और दूसरी बात जो नेचुरल संस्कार है आपके, वो नेचुरल रूप में इमर्ज रहते हैं या पुरुषार्थ से उस सत्यता को स्टेज पर लाना पड़ता है। ये चेकिंग का मेथड भी बताया बाबा ने। बाबा कहते हैं जैसे बाप को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं, वैसे ही आत्मिक स्वरूप की वास्तविकता भी सत्य अर्थात ट्रुथ है। जैसे बाबा ट्रुथ, वैसे हम बाबा के बच्चे हर एक आत्मा भी ट्रुथ। तो सत्यता सत्व प्रधानता को कहा जाता है, ऐसी सच्चाई है। ये चेकिंग करनी है बाबा अपनी,
दूसरा पॉइंट बाबा बता रहे सफाई, सफाई अर्थात स्वच्छता। जरा भी संकल्प द्वारा भी अशुद्धि अर्थात बुराई को व अवगुण को टच नहीं करें। कैसे? संकल्प द्वारा भी, संकल्प लेवल पे चेकिंग करनी है कि जरा भी संकल्प द्वारा भी अशुद्धि अर्थात बुराई को व अवगुण को टच नहीं करें। अगर बुद्धि व संकल्प द्वारा भी स्वीकार किया अर्थात धारण किया तो संपूर्ण सफाई नहीं कहेंगे। चेकिंग किस लेवल पे? मन और बुद्धि दोनों के लेवल पे। जैसे स्थूल में भी कोई प्रकार की गंदगी को देखना भी अच्छा नहीं लगता, देखने से किनारा कर देंगे, ऐसे बुराई को सोचना भी बुराई को टच करना हुआ। तो बुराई क्या है? गंदगी है। गंदगी को टच करना ना तो हमारा स्थूल में भी अच्छा लगता हमें और ना ही आत्मा को अच्छा लगता, लेकिन हम भूल गए थे ना, इसलिए हम ये कर रहे थे। अब बाबा ने समझा दिया, याद दिलाया है, तो हमें ये अपनी महीनता से चेकिंग करनी है। बाबा कहते हैं सुनना और बोलना व करना यह तो स्वयं ही बुराई को फिर धारण करते हैं। अगर सोचने में बुराई टच हो गई तो बाकी अपने आप वो सारी जगह फैल जाएगी। बाबा कहते हैं सफाई अर्थात स्वच्छता, संकल्प मात्र भी अशुद्धि ना हो, इसको कहा जाता है सच्चाई और सफाई अर्थात स्वच्छता। फिर ये बाबा ने बताया सच्चाई के बारे में। दूसरी बात है निर्भयता। निर्भयता की परिभाषा भी बड़ी गूढ़ है जो हम कल सीखेंगे बाबा से। तो ऐसे नीचे नीचे बाबा जो हमें ज्ञान की इतनी गहराई में समझाते हैं, हम आत्माओं को कितना शुद्ध पवित्र अपनी सत्व प्रधानता से याद दिलाते हैं, ऐसे नीचे प्यारे बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से बाबा को याद, प्यार, नमस्ते और दिल से शुक्रिया। ओम शांति। एक मिनट साइलेंस में रहकर सब अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी हैंड रेस करके वन बाय वन शेयर कर सकते हैं पॉइंट्स। जी जयंत भाई, जी आप शेयर कर सकते ओम शांति। आज बाबा ने इस मूर्ति में, इस मुरली में स्थूल और सूक्ष्म दोनों बातों का बहुत गुह्य तरीके से बताया है कि बाबा के बच्चे, जो बाबा बाबा ने बच्चों को देखा, बच्चों ने बाबा को देखा, उनकी शुरुआत की परिस्थिति, बीच में की परिस्थिति और आखिरी परिस्थिति, इसका युद्ध के बारे में और योद्धा, घुड़सवार और सेनापति, इनका उदाहरण देके बहुत स्पष्ट किया है। बाबा का ऐसा कहना है कि जो बाबा की लगन में लगे हैं, तो उनकी शुरुआती की स्टेज, मध्यम स्टेज और आखिरी स्टेज क्या होंगी, कैसी होंगी, उसकी प्रत्यक्षता कैसी होंगी, इसके बारे में बाबा ने सत्यता और सफाई, सच्चाई और सफाई और आखिरी में सत्यता, यह गुह्य बातें बताई है कि ये यह स्टेज बच्चों को लाना है और कहाँ कहाँ तक स्टेज आ गई है,
ये चेकिंग करना है, और बाबा को कहाँ तक प्रत्यक्ष किया है ये, इसके बारे में ये गुह्य बातें बाबा ने बताई है। हम बच्चों का कर्तव्य है कि इन्हीं मार्ग का अनुग्रहण करके हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना है, बाबा के स्वरूप बनना है, और ये बहुत अहम बातें बाबा ने आज के मुरली में गुह्य बातें बताई है। और आखिरी बात सत्यता, उसका भी बाबा ने जिक्र किया है। तो ये सब बातें हमको सूक्ष्म रीति से समझना है, और उसके तरफ अमल करना है, और उसके स्वरूप बनना है। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे करो। हाँ जी, हाँ जी, जी, सब करते थे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है, सच्चाई अर्थात जो मैं हूँ, जैसा हूँ, सदा उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित होना, अर्थात आत्मा को ओरिजिनल दीदी ओरिजिनल आवाज कम है। स्वतः प्रधान स्वरूप में स्थित रहना। ओम शांति। शांति। आज बाबा ने परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार बताया सत्यता है। बाबा ने कहा कि सत्यता ही प्रत्यक्षता है, एक स्वयं की स्थिति की सत्यता और दूसरी सेवा की सत्यता। हाँ, मतलब अपनी सत्य स्थिति में, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना, स्वयं की स्थिति की सत्यता। तो जब तक मैं स्वयं अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित ना रहूं कि मैं अपनी ट्रुथ मेरा क्या है कि मैं आत्मा हूं, तब तक प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। और दूसरी सेवा की सत्यता, और सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। स्वच्छता मतलब जैसे पवित्रता बोलते हैं ना, मन की स्वच्छता और स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्वच्छता, बाहर से भी स्वच्छता हो और सूक्ष्म रूप में भी स्वच्छता हो, तभी प्रत्यक्षता होगी। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा भी सच्चाई सफाई की कमी है, स्वच्छता में बाबा बोल रहे हैं सच्चाई सफाई की कमी है, मतलब पवित्रता की कमी है, तो कर्तव्य की स्थिति की सिद्धि प्रत्यक्षता हो नहीं सकती। क्योंकि हमारा कर्तव्य की सिद्धि क्या है, हम लोगों का लक्ष्य क्या है कि हमें परमात्मा प्रत्यक्षता करनी है, इसके लिए सच्चाई और सफाई जरूरी है। सच्चाई सफाई मतलब बुद्धि की सच्चाई सफाई, जितनी क्लीन एंड क्लियर बुद्धि होगी उतना ही परमात्मा से कनेक्शन होगा, और उतनी ही प्रत्यक्षता में प्रत्यक्षता होगी। तो यही स्वच्छता और निर्भयता, इन दोनों धारणाओं की आवश्यकता है परमात्मा प्रत्यक्षता की। ओम शांति। बोलूं दीदी? जी जी बोलिए। आज बाबा ने परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता बताया है, और हम सबको एक सेना के साथ कंपेयर किया है। जैसे सेना के पास अस्त्र शस्त्र बारूद का स्टॉक होता है, वो नक्शा देखते हैं, एक एरिया निश्चय करते हैं और लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वैसे ही बाबा ने हमारे लिए बताया कि हमारे पास भी अस्त्र शस्त्र हैं। एक आत्मिक बम है, एक परमात्मा बम है। हम आत्मिक स्थिति में रह के सुख शांति का अनुभव करके, रूहानियत का अनुभव करके आत्मिक बम को तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन परमात्म बम अभी तैयार नहीं हुआ। क्योंकि परमात्म बम का तैयार होने के लिए बाबा ने बताया कि परमात्मा की प्रत्यक्षता करनी है, कि पता चले, सबको पता चले कि परमात्मा धरती पर आ चुका है। वो तभी हो सकता है जब तुम सत्यता के आधार पे, सत्यता पे चलोगे, और सत्यता की प्रत्यक्षता तब हो पाएगी जब तुम स्वयं की स्थिति को परख सकोगे और सेवा की स्थिति को परख सकोगे। और बाबा ने स्वयं की स्थिति की सत्यता को बहुत अच्छी तरह बताया कि स्वयं की स्थिति हम तभी अपनी कर सकते हैं जब सच्चाई सफाई से चलें। और सच्चाई सफाई से चलने का मतलब है कि हमारे संकल्प में, बोल में और कर्म में सफाई होगी। हमारे संकल्प में भी किसी की बुराई कभी भी मन के अंदर धारण ना हो, जो साधारणता हो जाती है। जो साथ रहते होते हैं उनके तो हर संग मतलब वो हमेशा के लिए हमारा एक परीक्षा होती है, तो उनकी तो हर चीज को हम देखते परखते हैं और उसकी बुराइयों को सोच ही लेते हैं।
बाबा ने कहा कि अगर बुराइयों को भी सोच लिया, सुन लिया या बोल लिया तो भी आपकी धारणाएं पूरी नहीं है। इस बात को हमें अपने दिल में आज के लिए पक्का करना है कि अपने साथ में रहने वाले लोगों की तो बुराइयों को बिल्कुल भी नहीं देखना, और उनके लिए अपने मन में ये धारणा करनी है कि वो जैसा है जो है उसकी ओरिजिनल सत्यता तो केवल आत्मिक स्वरूप ही है। तभी हम इस माया के अवगुणों से और रावण से बच के, अपने सतो और रजो और तमो और संगदोष से बच के हम सतो प्रधानता की तरफ आत्मा को बढ़ा सकते हैं। ओम शांति। जी है ना। ओम ओम शांति भाई जी, मैं बोलूं? हाँ जी बिल्कुल। ओम शांति भाई जी, आज बाबा ने कहा कि स्वयं के स्थिति की सत्यता और दूसरी है सेवा का सत्यता। तो स्वयं की स्थिति माना मैं आत्मा, बाबा का संतान, बाबा के साथ हूँ, और जो कोई आत्माएं है वो भी बाबा का संतान है। मैं जो हूँ जैसे हूँ, मेरी ओरिजिनल सत्य स्वरूप में मैं आत्मा हूँ, माना मैं मेरी ओरिजिनल नेचुरल स्वरूप आत्मिक स्वरूप में हूँ। चाहे किसी भी परिस्थिति है, बात है, लेकिन मैं आत्मा बाबा का साथ हूँ, यह मेरी सच्चाई है। बाबा ने कहा, फिर बाबा ने कहा सेवा का सत्यता माना परमात्मा को प्रत्यक्ष करना, सेवा परमात्मा को सब प्रत्यक्ष करना माना हमारी सेवा। परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार है सत्यता, और सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। स्वच्छता अर्थात सफाई। बाबा ने बोला कि अंदर में किसी भी आत्मा प्रति आत्मिक भावना, अंदर में सफाई मानना किसी भी आत्मा के प्रति, वो आत्मा जो भी है, जैसे भी है, जैसे संस्कार वाला भी हो, तो खुद के अंदर में उनके प्रति आत्मिक भावना रखना। जरा भी बुद्धि या संकल्प द्वारा भी किसी भी बुराई को व अवगुणों को देखना तो संपूर्ण सफाई नहीं। फिर बाबा ने कहा निर्भयता की परिभाषा भी गुह है। तो पहला बात है अपने पुराने तमोगुणी संस्कार पर विजयी बनने का निर्भयता, और दूसरी आत्माओं के स्वभाव संस्कार अपनी संस्कार को मिलाकर चलना वो, और अन्य संस्कारों को परिवर्तन करने में भी निर्भय बनना। तो अपने को चेक करना है कि जो प्रत्यक्षता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है, वह स्वयं अपने में कितना धारण किया। तो यह है सत्य और यह है बाबा को प्रत्यक्ष करना। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता। बाबा कहते हैं ना, सच तो बिठो नच, अर्थात जो जिसके अंदर सच्चाई सफाई होगी, सत्यता होगी, उसका मन खुशी में नाचता रहेगा, उमंग उत्साह में रहेगा। तो ये सत्यता की शक्ति कैसे आती है? बाबा कहते हैं जो बच्चे अपने स्वस्वरूप की स्मृति में रहते हैं, स्वस्वरूप अर्थात मैं बिंदु, और अपने जो सातों ओरिजिनल संस्कार हैं, ओरिजिनल गुण हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ये मुझे कहीं बाहर से नहीं लेना, स्वयं ही हूँ मैं ऐसे। तो सत्य स्वरूप के स्मृति में रहते हैं और बाप के सत्य परिचय को भी जान जाते हैं कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके चेहरे चलन से, उनके संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क में आते हैं तो सब में, क्योंकि सत्यता की शक्ति वो वाइब्रेट होके रिफ्लेक्ट होगी तो सब में दिव्यता की अनुभूति भी होगी। तो संपूर्ण सत्यता बाबा कहते हैं पवित्रता के आधार पर होती है। तो स्वयं के स्थिति की सत्यता और सेवा की भी सत्यता, जैसे सेवा करते हैं ना, बाबा कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा द्वारा, तो इसमें जरा भी अस्वच्छता ना हो। अस्वच्छता कैसे होगी कि दिखावे की कर रहे हैं कि कोई जैसे दिया तो देख लें, हमारे सीनियर्स देखें, बड़े देख लें कि हाँ हम भी सेवा कर रहे हैं,
और नाम हो, मान हो, शान हो, हमारा भी हो। तो बाबा कहते हैं कि इच्छा मात्रम अविद्या रह के करो, संकल्प मात्र भी अशुद्धि ना हो। दूसरे के अवगुण देखना, ये तो ऐसा ही करता है, इसने सेवा ऐसी करी थी, तो ये सब पहले से ही बना के रख लेना, ऐसा सोचना, देखना, सुनना, बोलना, बाबा कह रहे हैं ये भी सब अस्वच्छता है। क्योंकि सच्चाई सफाई रखो तो वही स्वच्छता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि संकल्प मात्र भी अशुद्धि ना हो, तभी सच्चता और सत्यता और सच्चाई रहेगी। ओम शांति। ओम शांति। ये बाबा कहते हैं परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार है सत्यता, सत्यता ही प्रत्यक्षता, और स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। तो सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भय। बाबा कहते हैं कि इन दोनों आधारों का आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता, बाबा की प्रत्यक्षता हो। ओम शांति। जी गौतम भाई जी, शेयर कर सकते हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो बाबा ने आज के में बताए हैं कि परमात्मा प्रत्यक्षता के बारे में वो क्या बताएं कि हम लोग ने तो बहुत सारे चीज कर लिए है और सब चीज हो गया है, लेकिन लास्ट जो है उसको प्रत्यक्षता को बाबा बॉम्ब के बारे में बताए हैं। ये लास्ट बॉम्ब है, परमात्मा बॉम्ब। तो ये बाबा ने इसको थोड़े से बता रहे हैं कि डिटेल में बाबा का जो प्रत्यक्षता का है ये बॉम्ब अभी होना है, कि जो भी हम लोग को देखे, उसको हम लोग के संपर्क में आए, जो कर रहे हैं वो सुने, उन्हें ये आवाज अंदर से उसको खुद निकले कि ये जो है बाप आ गए हैं, डायरेक्ट अल्माइटी अथॉरिटी आए हुए हैं, वो जो हम लोग जो कर रहे हैं तो ये सब उनका किया हुआ है, उनका कर्तव्य चल रहा है। तो ये जो संपर्क में आए, ये हम लोग के चाल चलन व्यवहार, इससे उनको पता चले कि ये सारे ऑलमाइटी अथॉरिटी जो हमारे बाप हैं वो खुद आकर आए हुए हैं और उनका हम लोग काम कर रहे हैं। तो बाबा ने इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताएं जो सभी ने ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। ओम शांति। जी आशा बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने हमें टाइटल दिया कि हम महावीर महावीर में हैं और हम सेवा में आगे बढ़ रहे हैं अपने शस्त्र ज्ञान गुण शक्तियों के साथ, लेकिन हमने अभी तक आपके बम ही लगाया है, परमात्मा बम नहीं लगाया है। और बाबा ने कहा कि परमात्मा बम है बाबा की प्रत्यक्षता, और परमात्मा की प्रत्यक्षता हम सत्यता के आधार से कर सकते हैं, और सत्यता की प्रत्यक्षता करने के लिए बाबा ने हमें दो पॉइंट बताया कि पहला स्वयं की स्थिति को हमें बनाना है, और दूसरा सेवा सेवा करना है। तो सत्यता का आधार बाबा ने कहा कि दो है, स्वच्छता और निर्भयता। और बाबा ने स्वच्छता के बारे में कहा कि स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई, और सच्चाई के बारे में बाबा ने कहा कि सच्चाई अर्थात जो मैं हूँ जैसा हूँ सदा उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित होना, अर्थात आत्मा के जो ओरिजिनल सत्य प्रधान स्वरूप है उसमें स्थित होना। और बाबा ने सफाई के बारे में कहा कि हमारे संकल्प में कोई अशुद्धि ना हो, बुराई का हवा और फिर भी टच नहीं करे। ओम शांति। जी अजय भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। शांति सभी को। बाबा ने बोला कि सत्यता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है। तो स्वच्छता अर्थात मेरे मनसा की भी स्वच्छता, कि मेरे मन में किसी के प्रति अशुभ संकल्प तो नहीं है, किसी की अवगुणों को तो नहीं मैं देखता हूँ, किसी के बारे में मैं गलत तो नहीं सोचता हूँ। फिर वाचा की स्वच्छता, कि हर पर मेरे बोल बाबा समान है कि नहीं है, कि मैं कुछ भी बोल देता हूँ किसी को कुछ भी। और कर्मणा की स्वच्छता, कि मैं एक बाबा की याद में रहकर सत्य कर्म ही तो करता हूँ ना, कि मतलब सेवा में दिखावटी और किसी को बताने के लिए सेवा कर रहा हूँ, मतलब बाबा की याद में रहकर सेवा करता हूँ और बाबा के लिए करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो मेन जो क्रक्स था कि सच्चाई अर्थात मैं जो हूँ जैसा हूँ सदा
सदा शब्द को अंडरलाइन कीजिए, सदा उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित होना अर्थात आत्मा के ओरिजिनल सत्वप्रधान स्वरूप में स्थित रहना। तो ये कोई इसका अभ्यास कोई करता है तो शेयर कर सकते हैं ताकि हम भी उससे लाभान्वित हो सके, क्योंकि मेन तो सार यही है ना कि हम अपने ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित रहें। तो सदा कैसे स्थित हो सकते हैं, तो इसके बारे में भी अगर किसी को शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। शांति भाई जी, इसके लिए जो बाबा ने कहा है, जो मैं हूँ जैसा हूँ सदा उस जन सत्य में स्थित होना, तो मैं ये प्रैक्टिस करती हूँ कि कोई भी मुझे गुस्सा दिलाए या कुछ कहे तो मैं सोचती हूँ, मैं संकल्प करती हूँ कि मैं तो मेरा ओरिजिनल ओरिजिनल संस्कार तो शांति का है, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पर क्रोध तो मेरा संस्कार नहीं है, रावण का संस्कार है, तो मैं शांत स्वरूप आत्मा, ऐसे ऐसे संकल्प करते करते मैं शांत रहती हूँ, ये मेरा अभ्यास है। बहुत अच्छा, लेकिन जो प्रश्न था कि सदा उस ओरिजिनल, जैसे आपको किसी ने कुछ कहा गुस्सा दिलाया तो आप ऐसे करते हो, लेकिन कोई कुछ कहे भी ना, कोई बोले भी ना, तो भी हम, जैसे अभी भी पॉइंट शेयरिंग चल रहा था, तो कितने जने थे कि अपने से जो अपने सत्य स्वरूप में स्थित थे, तो हम ज्यादातर प्रैक्टिकल अप्लीकेशन पर हमें सभी को, मैं भी हूँ उसमें, हमें फोकस करना चाहिए ना, कि जब ये पढ़ा गया या पढ़ा नहीं गया तब ही तो हमने सुना था ना कि हम अपने ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित रहना है, पर हम ज्यादातर प्रैक्टिकल में जाने का हम सभी को प्रयास करना चाहिए। जी अशोक भाई जी, हाँ, ओम शांति। सदा का मतलब एक ये है, होता है कि सदा अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा, अनादि और आदि स्वरूप की हमें स्मृति रहनी चाहिए। जी प्रिंसिपल, ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। जो मेरा अभ्यास चलता है, मैं जैसे सुबह उठती हूँ तो बाबा को उठते सार कि मुझे उठना है, ब्रश करना है या कुछ भी करना है, तो इस स्थिति में, इस रूप में स्थित होकर करना है। तो जो करना है इतना इतना समय करना है, अब मुझे स्नान करना है, किस स्थिति में करना है, खाना बना, लिखना, पहले लिखना फिर उसको फिनिश कर फिर लिखना कि मेरी स्थिति कैसे रही, कितनी परसेंटेज मैंने, जो मेरा लक्ष्य था वो कितना परसेंटेज रहा। तो ऐसा मैं लिखने का हर समय, ऐसे नहीं कि सिर्फ अंत में, बीच बीच में से, बीच बीच में जब भी समय मिलता है तो लिखने का प्रयास करती हूँ। इससे स्वयं अपने आप ही कई बार नहीं भी समय होता लेकिन याद रहता है कि हाँ ये अभ्यास मुझे करना, ये मैं पहले भी लिखा था, नहीं लिखा अब समय नहीं मिला लेकिन ये अभ्यास मुझे करना है। तो इससे जो है सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये मेरा अभ्यास मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे इसमें सफलता भी मिल रही है। ओम शांति जी। जी बहुत अच्छा है ना, 60 सॉरी 70 या 70 के मुरली में भगवान कहा था ना कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एक तो हमें ये करना पड़ेगा प्रतिज्ञा, प्लान और प्रैक्टिकल, तो ये तीन बातें चेक करना पड़ेगा। वो आप देख लेना, एक है मुरली अव्यक्त स्थिति में सदा स्थित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये तीन बातें हैं। तो उस ओरिजिनल स्थिति में मतलब जो आत्मा का निराकारी स्वरूप है, जैसे अभी मैं आत्मा भी बोल रहा हूँ तब भी मेरा जो अटेंशन है वो उसी स्वरूप में एकाग्र रहे, उसे कहा जाता है अपने ओरिजिनल स्वरूप में सदा स्थित रहना, ऐसा मुझे आत्मा का चिंतन रहा। आप सभी ने भी बहुत अच्छा चिंतन शेयर किया। अभी रेणु बहन हमें योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति भाई जी, पहले पोल लॉन्च होना होगा ना। सॉरी सॉरी, वो लॉन्च कर दिया, सभी मेन स्क्रीन पर रहकर उसका रिप्लाई दे सकते। ओम शांति, 1 मिनट बोल सकती हूँ?
जी बहन बोलिए। ओम शांति, ओम शांति। जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा है कि जैसे स्थापना और पालना करनी है, ऐसे ही आज की मुरली में भी ऐसे ये चल रहा था कि मन में कि जैसे बाबा ने स्थापना का कार्य के निमित्त बने ब्रह्मा बाबा, और पालना के निमित्त जैसे जैसे बाबा ने कहा कि सो भी निरीक्षण करना चाहिए, जैसे द्रौपदी ऋषि ज्ञान लेके पालना कर रहे हैं, ऐसे आज की मुरली में भी सत्यता और जैसे रहना है कि जैसे पालना और अपने कर्म क्या करना चाहिए, तो स्थापना करने के लिए आप आए हैं, निमित्त मात्र बने, और पालना भी करना चाहिए सत्यता से, पालना भी स्वच्छ मन से करना चाहिए। तो कर्म बोल और कर्म भी ऐसा होना चाहिए, जैसे संकल्प बोल और कर्म तीनों ही एक साथ रहना चाहिए। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छा। आज की वाणी में बाबा ने हमें संग दोष बताया है कि कौन सा संग हमें तंग करता है, माया और रावण का। तो हम सारा दिन यही चेक अपने संग दोष से चेकिंग करेंगे कि कहीं मुझे माया का संग तो नहीं लग रहा, रावण का संग तो नहीं लग रहा। तो इसके लिए हमें ऐसे मन पे ऐसे प्रेशर लाने की भी जरूरत नहीं है। एक ही काम करना है जो बाबा कहते हैं कि स्मृति का स्विच ऑन रखो। जब हम अपनी स्मृति का स्विच अर्थात अपनी सत्वप्रधान स्टेज में स्थित रहने लग जाएंगे तो बाकी कार्य अपने आप होने लग जाएगा। तो इस पे फुल अटेंशन कि मेरी स्मृति, मेरी सत्वप्रधान स्टेज जो परम धाम की स्टेज है उससे कहीं भी नीचे नहीं ना आए। जब मैं आत्मा कोई कार्य भी कर रही हूँ उस कार्य को ईश्वरीय कार्य समझते हुए, ईश्वरीय सेवा समझते हुए, चाहे वो कोई भी छोटा से छोटा कार्य हो, और सदा यही समझते हुए कि मैं आत्मा अवतरित आत्मा हूँ, अभी अभी अवतरण हुआ है मेरा ये ईश्वरीय सेवा के लिए। और जैसे ही वो सेवा समाप्त हो तो मैं वापिस अपनी ओरिजिनल परम धाम स्थिति में स्थित हो जाऊं। आज दिन भर हम यही प्रैक्टिस करेंगे तो इससे बहुत लाभ होता है। यही प्रैक्टिस मैं भी करती हूँ, मैं आत्मा भी करती हूँ, बाबा करवाते हैं। तो अपनी परम धाम स्थिति को हम अनुभव करेंगे जो हमारे हम आत्माओं की सत्व प्रधान स्टेज है। तो एक सेकेंड में स्थित हो जाते हैं अपने घर, उस निराकार बिंदुओं के घर, अपने बाबा के पास जो मेरे बाबा का भी घर है। बीज रूप मेरे बाबा, और बिल्कुल बिल्कुल बाप समान बीज रूप मैं आत्मा, बाबा के बहुत नजदीक एकदम कंबाइंड कोई संकल्प भी आ रहा है तो उसको समर्पण कर दें बाबा को, क्योंकि आत्मा की ओरिजिनल नेचर साइलेंस है। आत्मा का अपना कोई संकल्प नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो जो भी संकल्प मन करता है मैं आत्मा नहीं करती हूँ, उस हर एक संकल्प को सौंप दें बाबा को। और बस स्थित रहें
बाप समान सत्यता की स्थिति में, साइलेंस की स्थिति में, याद रखना है कि मैं अपना मन अपने बाबा को सौंप चुकी हूँ, तो जो मेरे बाबा की संकल्प, अब सिर्फ वो ही मेरे संकल्प। कोई भी माया मन से संकल्प आए तो उसका स्वरूप नहीं बनना, लेकिन अपने उस ऊंचे ऊंच सत्यता के सागर पिता को सौंप देना है, उस सागर को दे देना है। समा जाएगा वो सागर में और मैं आत्मा बन जाऊंगी एकदम स्वतंत्र। यही विधि बाबा हमें सिखाते हैं खुद को स्वतंत्र करने के लिए। आ जाते हैं वापस अपनी इस देह में, इस धरा पर ईश्वरीय सेवा अर्थ स्वयं को अनुभव करते कि मैं आत्मा, मैं नई आत्मा, एकदम शुद्ध पवित्र सत्व प्रधान आत्मा, अभी अभी इस तन में अवतरित हुई हूँ। पुरानी कोई स्मृति नहीं है। शुक्रिया मुझे बाबा, शुक्रिया, ओम शांति, शुक्रिया। शुक्रिया सभी भाई बहनों का, शुक्रिया मुझे बाबा का और बाबा के बच्चों का चांस देने के लिए। ओम ओम शांति, शांति, ओम शांति, ओम शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया प्यारे देवता, ओम शांति, शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति, शांति, शुक्रिया बाबा, ओम सभी शांति, परमात्मा शांति, पांडे आपकी शुक्रिया ओर बाबा, से, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम थैंक यू शांति, जी, बहुत बढ़िया। ओम शांति।